एक बार फिर दादा दादी बने मुकेश और नीता अंबानी। बहुत लोगों ने दिया बेबी गर्ल को जन्म। अंबानी परिवार में खुशी का माहौल। हेलो एंड वेलकम, मैं हदामनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी के घर में एक बार फिर किलकारी गूंज उठी है, क्योंकि उनके बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका अंबानी एक बार फिर पेरेंट जो बने हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बहू श्लोका अंबानी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसके बाद अंबानी परिवार में जश्न का माहौल है। तो वहीं नन्ही राजकुमारी से मिलने के लिए एक एक करके परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के तीन बच्चों में से दो की शादी हो चुकी है और वे दो दो बच्चों के अब पेरेंट भी बन चुके हैं। बीते दिन यानी 31 मई 2023 को मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी व बहू श्लोका अंबानी दूसरी बार माता पिता बने हैं। आकाश और श्लोका के पहले बच्चे पृथ्वी का जन्म दिसंबर 2020 में हुआ था। हालांकि अब घर में नन्ही राजकुमारी के आगमन पर पूरा अंबानी परिवार खुश है। बता दें कि कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में आकाश की बेटी का जन्म हुआ है, जहां पर बेबी गर्ल के बाद अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी बेबी गर्ल से मिलने के लिए पहुंची। अनंत और राधिका को आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका से मिलने के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया था। बता दें कि श्लोका मेहता ने 31 मार्च 2023 को मल्टी आर्ट सेंटर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लॉन्च इवेंट में अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया था। इवेंट के लिए आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता एक साथ पहुंचे थे। यह पहला मौका था जब श्लोका ने अपने बेबी बम को प्लांट करते हुए पेपराजी के लिए पोज किया था। इस दौरान वह एक गोल्डन कलर की विंटेज साड़ी में नजर आई थी, जिसमें वो बेहद ही प्रिटी लग रही थी। इसके साथ ही उन्होंने एक शॉल को रॉयल अंदाज में कैरी भी किया था। वहीं आकाश ग्रीन कलर के इंडो वेस्टर्न आउटफिट में अच्छे दिख रहे थे। वेल, अब नन्ही राजकुमारी के घर में आने से पूरा अंबानी परिवार बेहद खुश है। इस पर क्या है आपका रिएक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया फिल्मी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।